गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम एलिन बीस्ट और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 8:30 की कुछ ऐसे हो रहे हैं। और क्या बोलते हैं, कल मतलब मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, मतलब कल व्लॉग बनाया नहीं था और स्टार्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि करना था पर नहीं किया था, क्योंकि जो परसों वाला व्लॉग था उसके लिए थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो गई थी। नेट मको वैसे 2.5 GB मिलता है ना, तो उसमें से तो कुछ नेट ख़त्म हो गया था। तो फिर व्लॉग को लगना था 2 GB, फिर वो मैंने कल अपलोड किया था सुबह सुबह और तब भी मम्मा का नेट ख़त्म हो गया था। और कल एक तो लाइट भी नहीं थी पूरा दिन, सुबह से मतलब शाम को 6 o'clock की कुछ ऐसे या 5 o'clock कुछ ऐसे आई थी लाइट। और अभी मैं सुबह उठा तो मैंने सोचा आज व्लॉग बना देते हैं। और कल तो हम घूमने भी नहीं गए थे, बस दीदी और मैं वहाँ तक गए थे उशानन के पीछे तक, वहाँ जैसे घूमने बड़ा सही है वहाँ पर। और भैया तो चले गए स्कूल, आज तो हमारे स्कूल में 12th वालों का फेयरवेल भी है और भैया ने पता नहीं रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तभी भैया गए स्कूल। फिर देखते बाद में क्या करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ये जो थंब है ना, यहाँ जैसे ये जो दिख रहा होगा, यहाँ पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ जैसे पता नहीं कल कांटा घुस गया था। मैं एक पता नहीं कौन सा प्लांट था, मैं ऐसे करके टच करने लगा और बड़ी ज़्यादा दर्द हुई थी उस टाइम, और सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी इसमें। तो फिर मम्मा ने निकाला भी ये कांटा। तो वैसे देखते फिर बाद में क्या करेंगे। और कल भी हम ग्राउंड नहीं गए थे, ग्राउंड का कैसा है वहाँ पर, कैसे कैसे हो गया, और आज जाएंगे, आज आपको दिखाएंगे वहाँ पर कितना ज़्यादा तैयारी वगैरह हो गई, मेरे लिए कितनी शॉप्स लगी हैं, डोम तो शायद रेडी हो गया होगा। तो देखते फिर क्या होता है, फिर आपसे बाद में मिलेंगे। और तो बाय, अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट भी करना है। और वैसे अभी 11 o'clock हो गया है और क्या बोलते हैं, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और अभी दीदी अंदर बैठे हैं। और मैंने आपको बताया था भैया गए हुए थे स्कूल, और क्या बोलते हैं, मेरा मतलब रिजल्ट भी आ गया था कल, मैंने आपको मतलब बताना भूल गया था, सुबह के टाइम थोड़ा याद नहीं रही थी। तो गाइस जैसे रिजल्ट तो अच्छा है, वैसे उतना अच्छा नहीं है जितना मेरा पहले आता था, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी थोड़ा। तो गाइस जब 9th से रेगुलर जब क्लासेस लगेंगी तब अच्छे से करेंगे पढ़ाई, और दोबारा अच्छे से दोबारा वैसे ही जैसे पहले परफॉर्मेंस था उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा मैं। तो अभी बस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था और दीदी तो अंदर पढ़ने बैठे हैं, क्योंकि दीदी के फाइनल एग्ज़ाम्स लगने वाले, शायद कॉलेज का लास्ट ईयर है। और क्या बोलते हैं, अभी तो मैं बाहर ऐसी बॉल वगैरह से खेल था, और अभी जो भैया की जो 9th की पुरानी बुक्स थी वो कुछ हैं बची हुई, मतलब सारी हैं वैसे तो मैथ साइंस की, तो मैंने कल निकाल के देखी थी, उसमें अलग अलग थे पर वो थोड़ा अलग उसकी थी ना, अगर इस बार शायद चेंज हो जाए बुक्स तो क्या पता लेनी पड़ेगी, अगर नहीं होती है तो साइंस मैथ्स की तो वैसे ही पड़ी हुई है भैया की, तो शायद मैथ्स की नहीं होगी, साइंस की हो सकती है। मैथ्स की तो NCERT लगी हुई है और साइंस की तो वो न्यू मिलेनियम की थी, तो देखते फिर क्या होगा। तो आपसे फिर बाद में मिलते हैं, अभी हमने लंच भी करना है थोड़ी देर बाद। हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था उस टाइम, मतलब मैंने उस टाइम 8 o'clock व्लॉग बनाया था, तो हमने 10 o'clock की 9:30 कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट कर लिया था। अभी तो मैं बॉल से खेल रहा हूँ, और क्या बोलते हैं, मायरा तो चलेगी अपनी मम्मा के साथ वहाँ पर अपने बुआ के घर, अपने बुआ के घर क्या उसके मम्मा के बुआ लगते हैं, पता नहीं वहाँ पर गए हैं कहीं, वो पता नहीं आएंगे, वो कल मतलब परसों गए थे, कल तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं था, और फिर वो शायद आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे कुछ ऐसा, और फिर मेलने में ग्राउंड भी जाएंगे। और मैंने देखा था कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह बता रहे थे कि वहाँ पर झूले की टेस्टिंग हो रही थी, वो जो कोलंबस था बोट वाला, तो देखते फिर आज हम जाएंगे, फिर आपसे मैं बाद में मिलता हूँ, तो बाय। तो गाइस अभी मैंने बाल ठीक कर दिए, मैंने सोचा कि अभी अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर बाद मिलने को, अब मैं अभी आ गया दोबारा, क्योंकि सनफ्लावर है ना कितने सही वाले, इनको धूप की साइड रखना था। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वगैरह के फूल इन्होंने लगाए थे सनफ्लावर, तो अभी तो थोड़े ऐसे करके हो गए हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर छत भी है तो छत में चलते हैं, और चलते तो मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ यहाँ पर सीढ़ियाँ कैसे कैसे और जाते हैं हम ऊपर। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से रास्ता, तो यहाँ पर मम्मा है वहाँ पर, और चलते हैं यहाँ से सीढ़ियाँ, तो जल्दी चलते फिर ऊपर, यहाँ पर सही है। और यहाँ जैसे ये भी है, यहाँ पर मैं पुल अप निकाल देता हूँ कभी कभी, या लटक रहता हूँ। तो गाइस चलते जल्दी, और पीछे पीछे एकदम जंगल है, और नीचे खेत में सोच रहा हूँ जाने के बारे में, डॉगी वगैरह बहुत होते हैं, चलते हैं तो ऊपर। और गाइस मैं सुबह सुबह जब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर ईंट वगैरह रखे हैं बड़े सारे ऊपर, अभी काम वगैरह भी चला रहे थे शायद, तो ईंट से मैं डंबल वगैरह निकाल रहा था। और अभी चलते हैं यहाँ पर रूम्स वगैरह बनाएंगे अभी, और
वो भी तो है डॉगी नीचे। तो गाइस देख सकते हैं आप, छत कुछ ऐसी है ये, और यहाँ पर रखी है ये वो सारी ईंटें वगैरह, और मैं इनसे डंबल वगैरह निकालता हूँ कभी कभी। और आप देख सकते हैं यहाँ से और नीचे कैसा कैसा है, और इस तरफ भी पूरा। अभी तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है, और यहाँ पर गाइस गर्मी ना बहुत ज़्यादा होती है बुरे हाल से, और पिछले वाले रूम में ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, और यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर धूप जो आती ना बुरे हाल से बहुत ज़्यादा धूप। मम्मा वहीं पर है वो पीछे। वैसे देख सकते हैं रोड भी यहाँ से कितना पास है, ये वाला रास्ता है वो यहाँ से जाने का, और ऐसे करके वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से फिर चलते तो नीचे आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ से भी एक रास्ता, पर यहाँ से रूम के बीच से जाके है। मैं तो पहली बार कंफ्यूज हो गया था। पीछे से भी है क्या? देखो वैसे यहाँ से भी कुछ ऐसा, पर ये रास्ता नहीं है, इधर से कुछ ऐसा गाइस। तो चलते हैं जल्दी, और देख सकते हो ऊपर पहाड़ वगैरह, और यहाँ से ग्राउंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पड़ जाते हैं ना, सही है। और ये हम यहाँ से पीछे चल जाते हैं रूम्स के, चलते हैं तो जल्दी। गाइस मैं पहुंच चुका है यहाँ, और देख सकते हैं अभी आप ये फ्लावर्स, और क्या बोलते हैं यहाँ पर, मम्मा ने यहाँ पर खेत में क्या उगाए थे, बीन्स लगाए हैं। गाइस मैं यहाँ पर जब बॉल से खेल रहा था तब यहाँ पर इसके ऊपर ऊपर चल जाते हैं। अच्छा ये है ना, गाइस देख सकते हैं बीन्स उग रहे हैं छोटे छोटे अभी, ऐसे यहाँ पर लगाए हैं इस खेत में। और यहाँ पर जो आंटी है ऊपर मकान मालिक, उन्होंने यहाँ पर रोज़ लगाए हुए हैं, देख सकते कितना सही लग रहा है वाला रोज़ का फ्लावर। और पीछे भी एक उग रहा है शकुर को वहाँ पर, हाँ। और यहाँ पर पूरा बड़े सारे रोज़ लगाए हैं ऐसे ऐसे, और इधर भी एक रोज़ कितना बड़ा इसका प्लांट है, और उस तरफ भी है। और यहाँ पर तो वैसे बॉल चले जाती है, मेरे को डांटते रहते हैं बार बार यहाँ पर, बॉल नहीं जब मैं बॉल से खेल रहा था वैसे बॉल जाता हूँ मैं। भैया कितने बजे आएगा आज? तो गाइस इधर देख सकते हैं ग्रेप्स का प्लांट भी लगाया है पौधा, अब वो बड़ा हो गया, अभी पता नहीं ग्रेप्स पूरे लग गए हैं पर अभी पके नहीं है एकदम, वैसे लग रहे हैं। फिर ग्रेप्स भी हैं, अरे अरे बॉल चली गई, ठीक नहीं करता। तो गाइस फिर आपसे मैं बाद में मिलता हूँ, जो हम लंच वगैरह कर देंगे दिन के टाइम या फिर शाम को, तो बाय। तो गाइस क्या बोलते हैं, अभी दिन का टाइम हो गया है, और यहाँ पर मामू ने हमारे पापा जो मेरे मामू लगते हैं, और उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला हुआ था। मम्मा बोल रहे थे कि यूट्यूब चैनल ऐसे ही खोल दो, देख सकते हैं यहाँ पर साइड में बैठे हैं तो नहीं दिखने दे, और यहाँ पर देख सकते हैं मम्मा बैठे हैं, हेलो। और देखो दीदी चले गए पीछे से, मेरे को बोल रहे थे व्लॉग ना व्लॉग ना, खुद छुप जाते जब मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर मामू का यूट्यूब चैनल पिछले 4 साल से था, पर वो वीडियो वगैरह ऐसे डालते थे कभी कभी, अब ऐसे डालेंगे शॉर्ट वीडियो वगैरह। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे आप देखना। अभी शाम का टाइम हो गया, और क्या बोलते हैं अभी भैया तो मेरे को छींकी, और क्या बोलते हैं अभी तो गाइस 5 o'clock कुछ ऐसे हो गए हैं, और क्या बोलते हैं भैया तो अभी आया नहीं, अब फ़ोन करते स्विच ऑफ दिखा रहा था, अब पता नहीं भैया कब आएगा। स्कूल में एक तो फेयरवेल था, पता नहीं क्या क्या कब आएगा, और हमने सोचा कि भैया होता तो आज हमने दोबारा ग्राउंड जाना था, पर आज हम ग्राउंड नहीं जा रहे हैं, दीदी मैं और मम्मा जा नहीं देते। मैंने मम्मा को बोला चल पड़ो यहाँ पर वॉक करने, घुमाते उस शानंद साइड, दोबारा आज मम्मा जा रहे हैं इस वाले रास्ते से फर्स्ट टाइम। हाँ ग्राउंड नहीं जाना, ग्राउंड मैंने जाना था, मम्मा ने बोला। अरे शानन में वहां पर एक ग्राउंड है, जाओ चाची बेटा के पुलिस नाल तक भी जाने दे, ग्राउंड की ग्राउंड में रोज एक सड़क सो बड़ी मैंने देखी तो चुप रहो आ क्या पहले फुट फुट ग्राउंड ना इस पर क्यों नजर देखो ग्राउंड क्यों नहीं जाने क्या यार।
तो गाइस हम लोग शानन साइड ही जाएंगे। लास्ट में हम लोगों का तो प्लान बना था ग्राउंड जाएंगे, पर फिर क्या बोलते हैं मम्मा ने बोला कि वहाँ शानन साइड जाएंगे घूमने, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी और वहाँ लोग होंगे काफ़ी ज़्यादा, और अभी तो काम चल रहा होगा शॉप्स वगैरह का, और वहाँ पर वॉक करने की इतनी जगह भी नहीं, और इस तरफ काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं फिर, चल रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह है, ग्रीनरी है सारी जगह, और सही है। तो चलते हैं जल्दी हम लोग, और पिछली बार तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे तक गए थे, और इस बार भी शायद मैं मम्मा को बोलूँगा शानन तक चल पड़ते हैं। तो फिर चलते हैं जल्दी, फिर आपसे मैं शायद यहाँ थोड़ी देर बाद मिलूँ। तो गाइस अभी हम यहाँ जैसे पहुँचे, देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी का प्रेशर चला हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर हम पहले भी आए थे, और फिर चलते हैं अभी आगे, और देख सकते हैं मम्मा जी तो वहाँ पर खड़े हैं, और अभी हम चल रहे थे, और क्या बोलते इधर से भी मैंने आपको उस टाइम भी दिखाया था कितना ज़्यादा पानी का प्रेशर होता है इधर, और हम लोग उस साइड से गए थे। अरे मेरी आँख नीचे चले गया। पहुँच चुके हैं यहाँ शानन तक, और क्या बोलते हैं अभी यहाँ पर हम लोग मंदिर में जा रहे हैं, सजा आए तो चले जाते हैं, थोड़ी जय वगैरह कर लेते हैं, और अंदर शिव मंदिर तो मंदिर पर हनुमान मंदिर थोड़ा खुला है, तो चलते मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर शायद यहाँ पर खुला एरिया काफ़ी ज़्यादा, और वो वाला फाउंटेन, और क्या बोलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान मंदिर, और वहाँ पर शिव मंदिर है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा फ्लावर्स भी उगा रखे हैं, ये वाला रोड कितना नहीं है रोज़ कितना ज़्यादा सही दिख रहा है। तो अभी हम घर चल पड़े और वहाँ से तो अभी निकल गए थे, यहाँ से पहुँच गए और दूसरे वाले रास्ते से जा रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा है, आगे रेलवे ट्रैक जैसा है, मतलब रेलवे ट्रैक को निकलते हैं रास्ता वहाँ से जो मेन रेलवे ट्रैक है, और वहाँ को तो बंद था रास्ता, और क्या बोलते हैं चलते हैं। तो फिर जल्दी आपको मैं दिखाऊँगा यहाँ पर कैसा रास्ता है, यहाँ से तो भी थोड़ा रोड है ना, पर ये तो निकल गया रेलवे ट्रैक, यहाँ पर जाने क्या रेलवे ट्रैक नहीं है दीदी, ये रेलवे ट्रैक था आपका, पर आ गया है बस। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बड़ी ज़्यादा धूप थी, और चलते हो तो आगे कहाँ जैसे रेलवे ट्रैक मिलते हैं, फिर जल्दी चलते फिर आपसे शायद मैं घर जाके मिलूँ, या फिर बीच रास्ते में मिल चुका है हमको रेलवे ट्रैक। देख सकते हैं अब यहाँ से हम ट्रैक से जाएंगे, ये साइड से रास्ता भी है पता नहीं, और देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा सही लग रहा है, खेत ही यहाँ पर चल जाते हैं ट्रैक में, रेलवे ट्रैक में कितना टाइम हो गया हमको जाए, जब से यहाँ आए तो हम एक बार भी नहीं गए थे। और देख सकते हो ऊपर पहाड़ वगैरह जितने भी हैं सारे, ये जो हमको लगता था ना ये माउंटेन इसके साथ अटैच होगा, पर देख सकते हैं एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर इसके पीछे कितने कितने दूर है, और हमको वो दूर से लगता था यहाँ थोड़ा पास है ना, तभी थोड़ा ऐसा लगता है कि ये बड़े दूर दूर हैं। तो गाइस चलते फिर जल्दी, आपसे मैं बाद में मिलता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है, रुको मैं पीछे जाके तो आप चल जाओ आगे जाओ। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ियों के फट्टे लगाए हुए हैं, और नीचे देख सकते हैं नाला जा रहा है ना, बह रहा है, पर यहाँ पर पानी इतना चल नहीं रहा, और मैं देख सकते हैं हल्का सा चलूँगा ना, डर तो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। देख सकते लकड़ी के यहाँ पर फट्टे लगे हुए हैं, और देख सकते नीचे को कितना गहरा है हाइट है, और नीचे कूड़ा कचरा वगैरह फेंका और उस तरफ नाला जाता है। तो चलते हैं फिर जल्दी, देख सकते हैं यहाँ जिससे मैं पहुँचा अभी, और क्यों यहाँ रेलवे ट्रैक तो बिल्कुल ऐसे घास वगैरह से झाड़ियों से भर गया है, और यहाँ से कैसा है ये जगह एकदम सुनसान टाइप, और अभी तो हम लोग जा रहे हैं, पर मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के यहाँ से कितना ज़्यादा खतरनाक से लग रहा है पूरा। ऐसे देख सकते हैं यहाँ जैसे रेलवे ट्रैक कैसे हो गया एकदम से, शायद ऊपर देख सकते हैं कितना बड़ा पत्थर है, यहाँ से पत्थर वगैरह कितने गिरे हैं इधर भी, और ये रेलवे ट्रैक एकदम ऐसे करके मुड़ गया है, पटरी पूरी एक के ऊपर एक आ गई है, और आगे शायद दोबारा ठीक है ये, और यहाँ से कुछ ज़्यादा ही वो है, पर नहीं यहाँ से गाइस देख सकते हैं यहाँ से अब ये कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो गया इतना। गाइस अभी हम पहुँच गए थे अभी थोड़ी देर पहले, हो गए 15 मिनट्स, और भैया यहाँ पर हमसे 5-10 मिनट्स पहले बैठा हुआ था यहाँ पर पहुँच के, और क्या बोलते हैं बस हम बाहर बैठे और काफ़ी ज़्यादा मच्छर है, और मैं इस टाइम एक एडिट बना रहा हूँ रोनाल्डो का, और फिर हम लोग देखते हैं बाद में क्या करेंगे, और अभी तो मच्छर हो रहे काफ़ी ज़्यादा, और आज भी नहीं गए ग्राउंड, या भी जैसे जाना टाइम क्यों हुआ 6:14 है, और अंधेरा तो हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या बोलते हैं
अंधेरा शाम हुई है, रात नहीं हुई है। ग्राउंड अभी जाना वो दिखाने, क्या दिखाने वो तैयारी कितनी हुई है आपने वो करा है कॉन्टेक्ट लिया है दिखाने का। ये तो बोल रहे थे कि अभी बोल रहे थे कि मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं, और मैं सोचा कि मैं आपको बोल ही रहा था कि दिखाने चलूँगा, और भैया तो थक गया काफ़ी ज़्यादा, और दीदी मेरे को डांट रही थी कि मत जाओ इतना ज़्यादा मजा कराया, और अभी चाय भी बना रहे हैं, और मैं सोचा कि मैं अकेला जल्दी से जाया था ऊपर, जैसे 2 मिनट तो लगेंगे दौड़ के चलते जल्दी। मम्मा ने बोला चले जाओ तो कि आप अकेले, और मैं अकेला जा रहा हूँ ग्राउंड का ऊपर, ऊपर से दिखाऊंगा और वहाँ पर झूले वगैरह कितने लगे और सारी शॉप्स वगैरह रेडी हो गए बोर, क्योंकि कल फर्स्ट मेला है ना, 1 अप्रैल है कल, तो चलते जल्दी मैं ऑन रखूँगा वीडियो में जितनी स्पीड से दौड़ के जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि बड़े पास है यहाँ से मेला ग्राउंड, तो चलते हैं जल्दी। और मेरी यहीं से सांस फूल गई है, और यहाँ पर तो डॉगी है, उनको तो मैंने एक बार वहाँ से पत्थर मार के भगाया था, काटे ना। अरे शिट, अरे यहाँ तो डॉगी, मैं घर में हूँ और क्या बोलते हैं, जब मैं वहाँ, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ डॉगी थे ना वो, और उसमें से एक दो कुतिया थी ना मतलब, और वहाँ बड़े सारे डॉगी थे, मैं देख रहा था ऐसे करके, जस्ट मैं दूसरी साइड से आपको दिखाने लगा था ना, और क्या बोलते हैं, वो एकदम से वहाँ से वो एक काली रंग की कुतिया थी कि क्या, और सारे डॉगी मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरे को लगा बस आज मैं नहीं बचता, और इतने मतलब दौड़ और कितनी स्पीड से, और मैं भागा और मेरी चप्पल वहाँ बीच में रह गई, और मैं बड़ी मुश्किल से दौड़ और रिकॉर्ड नहीं होने, और एकदम से दौड़े ना, और मेरे यहाँ पूरे पैर में छिल गए हैं, यहाँ पर सारी जगह नीचे नीचे, और दाने दाने आ गए यहाँ पर मेरे को, क्या बोलते कांटे वगैरह भी चुभ गए थे, मैं बड़ी मुश्किल से बच के यहाँ पर भागा, और वहाँ डॉगी मेरे को मतलब मैं गेट से वहाँ पर सोच रहा था जाने की आपके सामने, बस मैं ऐसे करके देखने लगा कि वहाँ पर डॉगी भी है, और क्या बोलते हैं, और बुरे हाल हो गए मेरे, और इस टाइम यहाँ पर कांटे की वजह से पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और क्या बोलते हैं, मैंने इसमें डेटॉल वगैरह लगाया, अभी दवाई वगैरह लगाऊंगा, और मैंने इतनी मतलब दीदी और मम्मा सब मेरे को मना कर रहे थे कि मत जाओ मेले के लिए मत जाओ, और मैं आज बाल बाल बचा, नहीं तो फिर बुरे हाल हो गए थे आज, बड़ी सी मुश्किल से मरते मरते बचा। वो एक तो वो डॉगी यहाँ पर शायद पागल जैसी है कि पागल कुत्ते की कैसी है, वो सबको यहाँ पर काट रही होती है, जितने भी यहाँ पर लोग भी आते सब उससे डरते हैं कि क्या है। और 5-6 डॉगीज थे, मैं सबको दिखा रहा था, और क्या बोलते एकदम से जैसे ही जाने लगा था ना, मतलब जा रहा था और मैंने जस्ट उनको देखा, और वो एकदम से मेरे पीछे उड़ गई, और मैं इतनी स्पीड से भागा ना, फिर नीचे को मैं इतनी स्पीड से भागा, वहाँ से भागा और वहाँ से मैंने जंप लगा, और यहाँ जैसे गाय वगैरह पाली हुई यहाँ पर लोगों ने, और सीधे वहाँ जैसे गिरा मतलब वहाँ पर पहुँचा, और फिर फ़ोन भी था और चप्पल मेरी वहाँ रह गई थी, फिर मैं इतनी स्पीड से दौड़ा और पता नहीं मैं कैसे बच गया, और फिर मैं घर आ गया, और मेरे बुरे हाल हो गए थे, रो रहा था मैं, रोने की हालत हो गई थी, और गाइस फिर अब से तो मैं जाऊँगा नहीं इस वाले रास्ते, सॉरी डॉगी काफ़ी ज़्यादा वो है, बड़े गंदे हैं, सबको काट रहते हैं, और गाइस फिर बस मैं ये वाला व्लॉग एंड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पूरे यहाँ पैर वगैरह सब दर्द कर रहे हैं, यहाँ भी इस तरफ नस में दर्द हो रही है, क्योंकि इतनी स्पीड में दौड़ा ना मैं, और सारे डॉगी एकदम से पीछे पड़ गए थे, और एकदम काटने को एकदम से, पता नहीं डॉगी कैसी है ना वो, क्योंकि शायद उसने पहले भी ये, जब वो यहाँ पर सब आते थे ना तब मैं उनको भगाया भी था एक बार, मतलब ऐसे करके पत्थर से डराया था और मारा था, नहीं वो डराया था उनको एक बार, और पता नहीं बुरे बुरे हाल से पड़ गए थे पीछे, और मैं पता नहीं बच गया। तो गाइस फिर आज के लिए बस इतना ही, मैं सोचा था कि आज आपको वहाँ दिखा देंगे ग्राउंड का, और मैं एकदम से जाने लगा, मम्मा दीदी सब मना करती कि अभी वहाँ से आए तो मत जाओ, और मैंने बोला मैं जाया था 2 मिनट लगेंगे, मैं जल्दी से दौड़ कर जाता, और वैसा हो गया, फिर मेरे से अगर वो रिकॉर्ड होता तो आपको और भी अच्छे से पता लग जाता। तो गाइस फिर आपसे फिर ये वाला व्लॉग मैं एंड कर देता हूँ, मतलब और काफ़ी ज़्यादा भी दर्द हो रही है यहाँ पर पैर वगैरह में, सारे छाले वगैरह पड़ गए हैं इधर इस तरफ, और क्योंकि मैं वहाँ से आया था नंगे पैर को तोड़ कर, मिट्टी मिट्टी थी और वैसा था। तो गाइज आज के लिए इतना है, होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा, सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय।